जी हाँ, आपने मेरे थंबनेल में देखा, मैंने कहा बोया माइक मत खरीदना। नॉर्मल है जैसा कि मेरा है, मेरे लिए रिकमेंडेबल क्या होगा? तो मेरे लिए रिकमेंडेबल होगा। देखिए, बोया माइक मत खरीदना ये बोलने का रीजन बहुत बड़ा है, क्योंकि मैं ये कहूँगा कि बोया माइक ने हमें इस ड्यूरिंग पेंडेमिक बहुत अच्छा सपोर्ट दिया। एक चीपेस्ट माइक जो मोबाइल से लेके लैपटॉप, कैमरा, DSLR से कनेक्ट हो जाता है, बट जैसे जैसे माइक की डिमांड बढ़ी, इसकी क्वालिटी मुझे पता नहीं क्यों ख़राब होती जा रही है, और हो गई ऑलमोस्ट। अब प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको एक रियलिटी चेक कराता हूँ। पिछले 2 सालों में मैंने एक इंस्टीट्यूशन में, जहाँ पर डेली 8 से 9 घंटे की क्लासेस चलती है, वहाँ पर 35 से 40 बोया माइक लगाए। यहाँ पर मैं कुछ बोया माइक के एग्जांपल आपके सामने लेके बैठा हूँ, ये सारे खराब माइक हैं। इसमें दूसरी कंपनी के भी माइक है जो मैंने एक्सपीरियंस किया और देखा कि किस माइक की ड्यूरेबिलिटी कितनी है, कितने टाइम में चलता है। देखिए, सबसे बड़ा रीज़न खराब होने का क्या हो सकता है, तो वायर को खिंच जाना या फिर हम टैप करने से होता है, बट ठीक है, कोई भी चीज़ ड्यूरेबल होनी चाहिए। 1000 रुपये की चीज़ भी अगर हम ले रहे हैं तो चलनी चाहिए। तो अगर हम इस वास्ट एग्जांपल की बात करें, जहां मैं 35 से 40 माइक ख़राब कर चुका हूं, अराउंड 40,000 रुपये हमने 2 साल में स्पेंड करे सिर्फ और सिर्फ माइक में। मोर देन दैट, मैं आपको अभी भी, मेरे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है, क्योंकि ख़राब हुआ, क्योंकि माइक ऐसी चीज़ें जो ख़राब होती है उसी टाइम लेके आना पड़ती है, तो ये एक प्रॉब्लम थी। अब इस माइक का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था कि इसमें हर बार सेल लगाना पड़ता था। अब इस सेल की भी कोई लाइफ ऐसी फिक्स नहीं है, ये सेल जब मन करता है ना तब वो डाउन हो जाता है। कंटिन्यू चलाने पे वो आराम से 36 आवर्स के अंदर वो सेल डाउन हो ही जाता है, मतलब आप 5-7 दिन 8 दिन क्लास लो, प्रॉपर डाउन हो जाता है। आप जैसे बहुत सारे लोग बोया माइक से परेशान है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। देखिए, मैं बोया माइक की कंपनी को स्पेसिफिक इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पिछले कई वीडियो में मैंने बोया माइक को बहुत अप्रिशिएट भी किया, बट ये ड्रॉबैक कई सालों से मुझे परेशान कर रहा था, बट मैंने इसको ओपन इसलिए नहीं किया क्योंकि इसके अलावा कोई अल्टरनेटिव था ही नहीं। जैसे मैं सबसे पहले बोलता हूँ कि बोया माइक की बात करें तो ये मेरे पास कम से कम 40 खराब माइक है। अगर कंपनी मुझसे क्लेम करना चाहे तो मैं आपको 40 खराब माइक दूंगा कि इतना बड़ा नुकसान एक इंस्टीट्यूशन में हमने बियर किया है। इसकी लाइफ क्या है, तो मैंने मैक्सिमम जो यूज़ किया है बोया माइक को 3 मंथ यूज़ किया है, और हम बात करें मिनिमम 15 दिन में भी माइक को मैंने ख़राब होते देखा है, 10 दिन भी माइक ख़राब होते देखा है। कुछ माइक मेरे पास ऐसे थे जो उसी दिन लाए और उसी दिन ख़राब हो गए। अभी क्या रीज़न हो सकता है, तो बोया माइक 1000 रुपये का माइक है और मुझे नहीं लगता कि इसको हम अब फर्दर लेंगे, इसको रिकमेंड नहीं करेंगे। अच्छा, इसी के साथ साथ मेरी एक और जर्नी स्टार्ट हुई, मैंने टेस्टिंग करना स्टार्ट करी। बहुत सारे माइक है, आप ये जो माइक मेरे टेबल पे देख रहे हैं, ये माइक कुछ 20% माइक है, इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे माइक मंगवाए। फिर उसके बाद हमने सोचा कि किसी और कंपनी का माइक लेके आते हैं, तो हम लोग एक कंपनी का माइक लेके आए जिस कंपनी का नाम था मैक्स करके कोई कंपनी थी। इस कंपनी का माइक मैक्सिमम 3 मंथ चला हमारे पास में, और इसमें हमने कुछ 8 से 10 माइक खराब करे इसके। इसके बाद में क्या हुआ कि हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना माइक ऐसा लेके आए जिसमें सेल लगाने की झंझट ना हो। तो कोडेक कंपनी का एक माइक मुझे मिला और इस माइक को हमने चलाया 6 मंथ तक, और ये काफ़ी अच्छा माइक था। 6 मंथ मतलब एज़ कम्पेयर टू अदर माइक ये माइक अच्छा था, सेल लगाने की झंझट नहीं थी। कई बार क्या होता है, फैकल्टी पढ़ाती रहती है और सेल ख़त्म, पता ही नहीं चला लाइव में, और सेल ऐसे भी ख़त्म नहीं होता है, सेल धीरे धीरे ख़त्म होता है और उसकी वॉइस बीच बीच में ब्रेक होना स्टार्ट होती है। हम परेशान हो जाते हैं कहाँ पर प्रॉब्लम है, कैमरे में प्रॉब्लम है, OBS में प्रॉब्लम है, लाइव स्ट्रीमिंग में प्रॉब्लम है, बट एक्चुअल प्रॉब्लम वो माइक की होती है। फिर हम थोड़ा सा और हमने R&D लेवल पे गए, तो देखिए हमने क्या करा कि पहले हम, आप लोग देखेंगे जो कैमरा यूज़ करते हैं, कैमरा से कनेक्ट करते हैं, वो लोग पहले कुछ इस टाइप का माइक यूज़ करते थे, मोटा सा माइक होता था, आहूजा का माइक होता था। अब इस माइक को आप जब देखेंगे तो हमने सोचा कि इस टाइप का कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं, तो हमने बिना, क्योंकि एक टाइम पे ये माइक मिलना भी बंद हो गया था बिना कंडेंसर का, जो हम कोडेक की माइक की बात कर रहे हैं, तो हम उसका अल्टरनेटिव लेके आए। अब ये माइक जो हम लेके आए, ये किसी, पता नहीं, आई डोंट नो किस कंपनी का था, पर ये माइक कुछ 700 रुपये के माइक थे और ये इतने ख़राब माइक थे कि ये किसी सिस्टम में तो चले ही नहीं, और चले तो 10-15 दिन से ज़्यादा चले नहीं। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ, जो हम पेंडेमिक के पहले की बात करूँ, तो हम लोग इस टाइप के माइक यूज़ करते थे। ये माइक इतने ड्यूरेबल माइक थे कि मिनिमम इस माइक को चलाने के लिए हमने 1 ईयर से लेकर 2 ईयर तक ये माइक इजीली चल जाते हैं, और प्रोफेशनल लोग जितने भी थे, कैमरामैन थे, वो यही माइक को यूज़ करते हैं। अब ये थी मेरी ख़राब माइक की हिस्ट्री। ये बताना इसलिए ज़रूरी था कि मुझे लगता है कि अगर मैं किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ तो किसी रीज़न से कर रहा हूँ, मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे कर रहा हूँ, ताकि बहुत सारे लोगों को लगे ना कि मैं ये स्पॉन्सर्ड वीडियो बना रहा हूँ। मैं आपको वादा करता हूँ कि जो भी ऐसी चीज़ मैं बड़े दावे के साथ में कहता हूँ, मैं उसमें कभी पैसा कंपनी से लेता नहीं हूँ। मैंने आज तक बोया माइक से कोई भी अर्निंग नहीं करी जो मैंने बोया माइक को प्रमोट किया, और आज मैं बोया माइक को
अपोज कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज क्योंकि मुझे इसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन बहुत स्ट्रांग मिला और मैंने उसे प्रैक्टिकली यूज किया और मैं उससे कुछ हद तक सेटिस्फाइड हूँ, काफी हद तक सेटिस्फाइड हूँ। आप सभी को याद होगा कि इस लॉकडाउन से पहले हम अगर माइक की बात करें तो इंडियन क्राउड एक कंपनी को कभी अच्छे से भूल नहीं सकता, वो थी आहूजा कंपनी। आप सभी को पता होगा एम्पलीफायर, क्लास के माइक, मिक्सर, पोडियम वाले माइक सारे आहूजा कंपनी के आते थे। ये मेड इन इंडिया कंपनी है। इस कंपनी को अगर आप सपोर्ट दोगे तो डेफिनेटली अच्छा ग्रो करेगी और डेफिनेटली बहुत बड़ी कंपनी है और माइक के लिए इंडिया में बहुत अच्छा काम कर रही है, माइक नहीं बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो मैंने क्या सोचा, सबसे पहले जो बोया माइक का अल्टरनेटिव है वो है ये माइक आहूजा MTP20। ये माइक आपको अमेजोन पर भी मिल जाएगा, मैं आपको लिंक दूंगा। 750 रुपये का माइक है, इसकी MRP कुछ 925 रुपये है। इस टाइप का ये स्टिकर लगा होता है। मैंने ऑनलाइन 5 माइक बुलवाए, कुछ 2 महीने पहले बुलवाए और अभी तक मुझे माइक की झंझट से मैं बचा हुआ हूँ। अब आप जब ये माइक खरीदते हैं तो आपको क्या क्या मिलता है, मैं आपको ये भी इजीली बताता हूँ। इस माइक की जो सबसे बेस्ट खासियत है, जो मुझे लगी कि यार ये बेस्ट चीज़ है, ये माइक की जो वायर है वो काफ़ी लंबी है एज कम्पेयर टू बोया माइक। ये माइक की जो वायर है काफ़ी ड्यूरेबल भी है। और हम बात करें दूसरी, तो ये माइक में हमें सेल लगाने की झंझट नहीं है। आपको ये माइक, जैसे मैंने कोडेक के माइक को अप्रिशिएट किया था, 6 महीने चला था, तो डेफिनेटली ये माइक मुझे मिला। अच्छा, इससे पहले भी इस टाइप के माइक आते थे, पर ये माइक का ड्रॉबैक क्या था, ये माइक कनेक्ट नहीं होते थे। किससे कनेक्ट नहीं होते थे, तो ये माइक अपने मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट नहीं होते थे। अब ये एप्पल से भी कनेक्ट होता है। अगर आप एप्पल से कनेक्ट करना चाहते हो तो इसका एक्स्ट्रा सॉल्यूशन है, आप में डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दिया, वो वीडियो को भी देख लीजिएगा। अब देखिए, इस माइक को कुछ भी नहीं करना है, आपको सीधे अपने कैमरा में कनेक्ट कर लेना है, अपने मोबाइल में कनेक्ट कर लेना है या फिर अपने लैपटॉप में कनेक्ट कर लेना है। अब देखिए, एक चीज़ और इस माइक के साथ में जो आती है वो है इस माइक का ये जैक आता है, ये 3.mm का जैक आता है। देखो, कई बार क्या होता है कि आपका जो कैमरा है ना, DSLR कैमरा, वो इससे काम नहीं करता, तो आपको क्या करना है, इसके आगे इसको लगा देना है और कनेक्ट कर देना है। देखिए, ये की है, अगर ये घुमा दी ना आपने तो ये मार्केट में भी 350 रुपये तक मिलती है और मनमाने रेट पे मिलती है क्योंकि बहुत रेयर है। तो आपको माइक जो लेना है वो यही माइक लेना है, बोया माइक अब बिल्कुल ड्रॉप कर देना है, क्योंकि इस माइक की ड्यूरेबिलिटी वही ड्यूरेबिलिटी है और ये माइक दोनों सेम है, आहूजा कंपनी के माइक है। पर ये माइक लॉकडाउन के पहले तक थे, मोबाइल से कनेक्ट नहीं होते थे, पर अब आहूजा ने जो अपडेट दिया है वो बहुत ही शानदार अपडेट दिया है। इस माइक को आप स्मार्टफोन, कंप्यूटर, कैमरा, कॉन्फ्रेंस रूम, हर तरीके से आप हर तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये माइक हमें लेना है, इसकी डिस्क्रिप्शन लिंक आपको दूंगा, 700 रुपये में मिलेगा। लोकल मार्केट से मत लीजिए माइक, क्योंकि लोकल मार्केट में बहुत कॉपी चीज़ें आ रही है, ठीक है। तो ये माइक में आपको ये चीज़ मिलेगी। इस माइक की बहुत अच्छी बात मुझे ये भी लगी कि जो टीचर टी-शर्ट पहन के शूट करते हैं वो इस टाइप से इस माइक को अटका के अपने गले में डाल लें तो माइक ऐसा लटकेगा, हालांकि वो अच्छा नहीं लगता, अवॉइड करिएगा, बट स्टिल आप टी-शर्ट के साथ में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि हम बात माइक की कर ही रहे, तो मैं आपसे एक अच्छा सॉल्यूशन और डिस्कस करना चाहता था कि जैसे ये एक और माइक है, 1100 रुपये का माइक मुझे पड़ा, यह है आहूजा EWM100। ये माइक मुझे बहुत ही ज़्यादा बहुत ही अच्छा लगा कि अगर आप क्लासेस में पढ़ा रहे हो, जैसे टी शर्ट वाला जो प्रॉब्लम था ना, तो वो टी शर्ट वाला प्रॉब्लम ऐसे रिजॉल्व हो जाता है। आप इसको ऐसे लगा लो, आप इसको ऐसे लगाओ बढ़िया, और आप पढ़ा सकते हो। मुझे इस टाइप से पढ़ाना अच्छा नहीं लगता, पर बहुत सारे फैकल्टीज कंफर्टेबल होते हैं, तो आप ऐसे इसको पढ़ाओ। अब इस माइक के साथ में आपको ये ऐसा आता है, इस माइक की खूबी ये है कि क्लास में आप पढ़ाओ, सिर्फ आप जो बोलोगे वही सुनाई देता है। नॉइस कैंसलेशन बहुत तगड़ा है इसका, बहुत ही अच्छा है। मौका मिला तो मैं किसी दिन इस पर एक वीडियो बनाऊंगा सेपरेट। बट ये माइक के साथ में एक ड्रॉबैक क्या है कि इसकी वायर बहुत छोटी होती है। तो क्या करना है आपको, इस टाइप का 3.5 mm की मेल टू फीमेल जैक आता है, काफ़ी लंबा आता है ये जैक, आपको मिलेगा कुछ 200-300 रुपये का माइक भी मिलेगा ये जैक। तो इसको आपको सिंपली इसमें लगा देना है और फिर इसको आप लंबा कर सकते हैं। अब इससे आपको फ़ायदा क्या मिलेगा कि आपके क्लास में अगर बहुत सारी नॉइज है तो ये रिड्यूस करेगा, इसमें वो कैपेबिलिटी है और ये काफ़ी अच्छा माइक है। इसके बाद में हम बात करते हैं, बहुत से लोग बोल रहे थे कि वायरलेस माइक के बारे में बताइए, तो वायरलेस माइक देखिए, मैंने अलग अलग कंपनी के टायर करे, दोनों ही वायरलेस माइक है। वायरलेस माइक लाइव क्लासेस के सोल्यूशन में थोड़े डिफिकल्ट इसलिए होते हैं कि यहाँ अगर आप कंटिन्यू 5 से 6-7 लाइव क्लासेस लेंगे
तो डेफिनेटली आपको बैटरी चेंज करना पड़ेगी, आपको चार्जिंग चेक करना पड़ेगी और कई बार बड़ा बैड एक्सपीरियंस होता है। तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा। हालांकि आहूजा में भी मिल जाते हैं आपको, रोड माइक मिल जाते हैं, JBL के माइक मिलते हैं, बट ज्यादा एक्सपेरिमेंटल नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी एकेडमीज में भी मैंने बोया माइक सजेस्ट करे, अगेन बोया माइक सजेस्ट करे है, पर अब नहीं करूंगा। अब मुझे जो अल्टरनेटिव मिला है वो आहूजा का अल्टरनेटिव मिला है। तो प्लीज 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 आप इस बात को अपने एजुकेटर ग्रुप में शेयर करिए, क्योंकि मुझे पता है कि हर दिन एक या दो माइक खराब होते ही होंगे। आपके किसी फ्रेंड जो पढ़ाते होंगे, जब वीडियो बनाते होंगे, बहुत जल्दी खराब होता है। तो इस चीज को रोकने के लिए हमें इस वीडियो को स्प्रेड करना है। अगर आपको माइक या ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम या ऑनलाइन इक्विपमेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर बताएं। और अगर आपको लगता है कि मेरा जो एक्सपीरियंस मैं आपसे मेरे चैनल के माध्यम से शेयर करता हूं और वो यूजफुल है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगेन एक छोटी सी टिप देना चाहूंगा कि माइक को यूज करते समय जो हम लोग ये करते ना, सैनिटाइजर लगा दिया, वो मत करिएगा, माइक खराब होता है। कभी माइक की टेस्टिंग फूक के करी जाती है, थोक के नहीं। इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत पतली सी परत लगी होती है, वो टूट जाती है, माइक खराब हो जाता है। इसके बाद में माइक को जो ऐसे खींचा जाता है ना, बहुत जेंटली यूज करा जाता है, खराब होने के ये बड़े रीजन है। अब क्योंकि इतने माइक है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फैकल्टीज यूज कर सकती है, तो प्रॉब्लम आती है। तो अब आपको एक चीज याद रखना है, से नो टू बोया माइक, नाउ इट्स टाइम फॉर आहूजा माइक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।